नमस्कार, मैं हूं सोनल, नहीं रही चांदनी। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रहीं। अपनी शानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी को कल देर रात दिल का दौरा पड़ा और इस कार्डियक अटैक ने हमसे हमारी चांदनी को छीन लिया। बॉलीवुड की हवा हवाई गर्ल यानी श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने दुबई गई हुई थी। इसी दौरान शनिवार देर रात वे बेहोश हो गईं अपनी बाथरूम में, और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके इस तरह चले जाने से पूरा देश स्तब्ध है। दुनिया भर में उनके चाहने वाले एक तरह से सदमे में हैं। श्रीदेवी ने 1967 में महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु कई भाषाओं में कई यादगार भूमिकाएं की। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी अदाकारी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनके फिल्मों के जरिए, उनके गानों के जरिए जो उन पर फिल्माए गए। आपको ये भी बता दें कि अभी 3 ऐसे और प्रोजेक्ट थे जिसमें हम श्रीदेवी को देख सकते थे। हालांकि 2 फिल्में ऐसी हैं कि यदि वो रिलीज़ हुई तो शायद हम उनको देख पाएंगे, क्योंकि उनसे जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी बोलना इस बारे में जल्दी होगा। श्रीदेवी के निधन की खबर से पूरा देश सन्न रह गया। दुनिया भर में फैले उनके फैंस अपनी फेवरेट हीरोइन के आकस्मिक निधन से उनके चाहने वालों को गहरा झटका लगा है। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। वहीं सोशल मीडिया भी श्रीदेवी से जुड़ी खबरों से पटा पड़ा है। श्रीदेवी की बड़ी बेटी है जाह्नवी, जिसकी डेब्यू फिल्म अब से कुछ दिनों के बाद ही आने वाली है, जिसे करण जौहर बना रहे हैं। और श्रीदेवी अपनी बेटी की पहली मूवी को लेकर बहुत कंसर्न थी, बहुत उनकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि वो जाह्नवी को बड़े पर्दे पर देखें। और इसके लिए जब इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी तो वो पूरे समय जाह्नवी के साथ सेट पर ही होती थी। पर ये दुर्भाग्य ही है कि अब वो अपनी बेटी की डेब्यू फिल्म नहीं देख पाएंगी। श्रीदेवी की लोकप्रियता किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। देश के हर हिस्से में उनको पसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी श्रीदेवी के फैंस को उनके असमय निधन से गहरा झटका लगा। कहते हैं कि फिल्मों में जितना चुलबुला और शोक अदाओं वाला किरदार निभाती थी श्रीदेवी, लेकिन कैमरे के पीछे आज उनके को स्टार बताते हैं कि वो उतनी ही सादगी पसंद थी। बहुत धीर गंभीर स्वभाव की श्रीदेवी थी, मतलब ठीक जो वो रियल लाइफ में जो रोल प्ले करती थी उसके विपरीत। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर फैंस और उनके चाहने वाले श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रेत पर अपने आर्ट से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड की अदाकारा चांदनी की बात करें तो वो न सिर्फ एक्टिंग करती थी, बल्कि बहुत कुछ जो डायलॉग्स हैं वो अपनी आंखों से बोल दिया करती थी। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। बॉलीवुड की चांदनी के अचानक यूं चले जाने से फिल्म जगत में तो मायूसी छाई ही है, साथ ही फैंस भी काफ़ी सदमे में हैं। सदमा फिल्म में कमल हासन के साथ जब श्रीदेवी आई थी तो कमल हासन पहले से स्थापित थे, लेकिन श्रीदेवी ने जब उसमें एक्ट किया तो वो कमल हासन पर भी भारी पड़ी थी। श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे में कई यादगार भूमिकाएं निभाई। ये किरदार हमेशा उनके चाहने वालों के जहन में जिंदा रहेंगे।